हेलो गाइस, दिस इज टीम ट्रिका गो बैक अगेन। आफ्टर सो मैनी मंथ्स बैक अगेन, फुल और क्या डाउन हाल चाल? होके हालत नहीं बचा हुआ फिर से ट्रैक करने क्यों भाई, क्या हो गया? का। बीपी डाउन हो गया और क्या हो गया बीपी डाउन हो गया? और नहीं तो क्या। मस्त तो सोया पड़ा है भाई तू आधे घंटे से। अभी मन ने अभी लग रहा नहीं हो पाएगा भाई, फिर से बीपी डाउन हो गया तो क्या करें। मुश्किल से अभी रेस्ट किया है, अच्छा लग रहा है। अभी तो क्या फिर से घर पे चले? अभी घर पे जाने मन तो नहीं कर रहा, विदाउट ट्रैक कंप्लीट किए। अभी तक तो हम लोग प्रबल माची भी नहीं तो पहुंचे प्रबल यार। माची नहीं पहुंचे, उसके बाद प्रबलगढ़ भी जाना है। उधर स्लो स्लो जाना पड़ेगा, मतलब ब्रेक ज़्यादा लेके। धूप बहुत ज़्यादा है, मतलब धूप तो अभी कम है। अभी तक समर चालू नहीं हुआ है पर अभी से ही धूप ज़्यादा हो गया है। अभी यहाँ तक ही आए हैं, ज्यादा ऊपर नहीं है। कुछ अराउंड 30 मिनट्स किए रहेंगे ट्रैक, और इसका हालत टाइट हो गया। स्लो स्लो करेंगे, हो जाएगा। स्लो स्लो चढ़ेगा, रुक रुक के। अभी करेंगे बहुत करेंगे। टाइम क्या स्टार्ट किया ना ट्रैक फिर से, बहुत महीने महीनों के बाद तो आदत लगेगा स्लो स्लो। अभी एवरी वीकेंड ट्राई करेंगे, महीने में 2 बार तो ठीक है, ठीक है। तो अभी आए अपन प्रबल माची पे। तो अब यहाँ से अपन जाएंगे प्रबलगढ़, जो है ये साइड पे। बता बता ये है दीजिए। कालावंती और ये है प्रबलगढ़, और ये हम लोग है, ये प्रबल माची है। ये एक तरह बेस भी ले समझ सकते हैं, मतलब फॉर कलावंती ना प्रबलगढ़। और हाँ, ये इधर हम लोग बहुत बार आ चुके हैं। इधर मीन्स हम लोग ने इधर तक व्लॉग शूट नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी प्रबल माची का व्लॉग हम लोग ने पहले डाला हुआ यूट्यूब पे। तो प्रबल माची तक कैसे आना है वो आप लोग हमारे चैनल पे आके देख सकते हो, प्रबल माची का वीडियो। और आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा। और कालावंती भी हम लोग शूट कर चुके हैं, इसका भी व्लॉग है। तो ये बचा सिर्फ प्रबलगढ़, वो भी हम लोग 6 साल पहले गए थे शूट करने के लिए, फिर से आए हैं इधर। तो अभी जाएंगे प्रबलगढ़, इसका पूरा दिखाएंगे कैसे जाना है, क्या इसका ये ट्रेल है सब बताते हैं। तो ये और प्रबल बाकी माची है, ये देख लो यहाँ का व्यू। गर्मी में थोड़ा सूखा सूखा लगता है, पर बारिश में इधर बहुत मीन सबसे अगर आना है अगर प्रबल माची विजिट करें तो बारिश में करना, गर्मी में तो बीपी डाउन हो जाता है। चलते फिर प्रबल माची को, अरे प्रबलगढ़ को, देखते कितना टाइम लगता है। टाइम क्या हो रहा है जीजे? अभी 12:30, 12:24, 12:30 पकड़ लो। 12:30 लग रहा है, 2 बज जाएंगे। हाँ, दो ढाई रुक बज रुक के जाएंगे, जाएंगे ना। आराम से जाएंगे, नहीं तो बीपी फिर से डाउन हो जाएगा। चलो फिर चलते। तो फिर आप आते हैं यहाँ से, और यहाँ से सीधा सीधा जाना है यहाँ से कलावंतीन, आगे से और लेफ्ट आएगा कलावंतीन के लिए, और कलावंतीन और प्रबलगढ़ के प्रबलगढ़ सीधा। दोनों के लिए यहाँ से ही जाना है। बट आगे से एक लेफ्ट आएगा, वो लेफ्ट लोगे तो कलावंतीन को जाओगे, और सीधा सीधा जाओगे तो प्रबलगढ़ के लिए जाओगे। प्रबलगढ़ वैसे तो मोस्टली कोई जाता नहीं है, प्रबल माची पे आते हैं तो सब लोग जाते हैं कलावंतीन, क्योंकि बहुत फेमस ट्रैक है वो। तो प्रबल माची से रिटर्न चले जाते क्यों फेमस है कलावंतीन? ड्यू टू इट्स 80 डिग्री रॉड कट स्टेप्स, जो कि थोड़ा डेंजरस भी है बहुत लोगों के लिए, एडवेंचर भी है, थ्रिलिंग हो जाता है बहुत। थ्रिलिंग हो जाता है। और ऊपर से व्यू बहुत यूनिक है क्योंकि ऊपर बहुत छोटा स्पेस है ऊपर टॉप पे, ये प्रबल का जैसे प्लेटो नहीं है बहुत बड़ा। और हाँ, अभी तो शिवाजी महाराज जी का स्टैचू भी स्थापित किया है कलावंतीन पे, पहले नहीं था ऊपर, तो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है विजिट करने के लिए कलावंतीन। बट हम जाएंगे प्रबलगढ़, और प्रबलगढ़ पर दिखाते कैसा है। इधर थोड़ा ना जैसे कलावंतीन का लेफ्ट टर्न दिखा तो थोड़ा आगे हो गया ना, तो थोड़ा 2-3 अलग रास्ता है, समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग भी अंदर अंदर से आए तो एक प्रॉपर वे मिला है, तो अंदर से थोड़ा रास्ता है। और उसके बाद थोड़ा आपको ये मार्किंग इधर भी है, मार्किंग ये स्टोन पे भी है, तो बस ये सीधा भी रास्ता जा रहा है पर मार्किंग से लेफ्ट को है, तो ये लेफ्ट वाला रास्ता ही लो। इधर से ही है, हम लोग को एक विलेजर ने भी बोला, ये थोड़ा खुला रास्ता चालू होगा तो मतलब राइट सही जा रहे हो, मार्किंग भी है। और बस जहाँ तक हम लोग को याद है वो घर है उधर, एक छोटा घर है ऊपर, मीन्स झोपड़ा टाइप, थोड़ा उधर पानी भी मिल सकता है, शॉप टाइप है। और उधर से ही वो बीच में जो रास्ता है शायद उधर से ऊपर जाने का रास्ता है, तो उधर तक जाते हैं। अंदर अंदर से और रास्ता है, और 10-15-20 मिनट लगे मुझे लग रहा है, और अंदर से फिर ट्रैक स्टार्ट होगा प्रबलगढ़ का। तो धूप में तो बहुत चल रही है अभी,
अभी चालू हो गया है पूरा जंगल का ट्रैक, तो अब चलते हैं यहाँ से। मज़ा आएगा, छाव रहेगी, धूप आएगी, छाव रहेगी, धूप आएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। और चढ़ना बहुत है भाई, चलते भी रहेंगे, अभी चलते भी मस्त, रहेंगे। अभी तो 15-20 मिनट मस्त चल चल के आए, अभी सिर्फ चढ़ना है। हाँ तो अच्छी बात है ना, फिर छाव रहेगा ना उससे और अच्छा लगेगा, हाँ चढ़ने में चढ़ना है मज़ा लगे, मज़ा आएगा। तो, अब चढ़ना है। अभी कितना रुकते, बीच में कितना ब्रेक लेते हो क्या पता है। और अच्छी बात यह है कि मार्किंग इधर है तो भटकने ऐसा कुछ होगा नहीं यहाँ पे, हर एवरी डाइवर्जन तो है। एक डाइवर्जन पे है। चलो फिर चलते रहते हैं, देखो शॉप्स भी है इधर खाने पीने के लिए। बंद है और वैसे तो झूला भी है झूलने के लिए, दीजिए जरा हाँ, झूल के इधर बता कैसे झूलते हैं। लास्ट में झूले थे ना भाई, इधर यहाँ पे ही था, अपन ये किधर और झूला था सर, हाँ वो किधर माहौली में था आई गेस। टूटेगा तो नहीं ना, ये तो झूलने है। कैसे भी झूल, जान दे क्या बात है, मोमेंट्स आ मोमेंट्स। 10 मिनट टाइम पास करते हुए हम फिर से निकल पड़े हैं रबलगढ़ के लिए। थोड़ा झूला लेने के कितना, बाद 10 मिनट, इसको समझ में नहीं आता है, 10 मिनट लगा दिया इसने, ये रील वो, ये वाला एंगल वो एंगल, ऐसा ठीक एंगल है। वैसा एंगल। बाद में ये भी बोला, एक भाई सुनना, मेरा भी एंगल में ले लेना वीडियो। हम लोग एक कॉमन है, हम लोग एक जो फोटो जो जगह पे लेगा या वीडियो लेगा ना, दूसरा भी उधर ही आके लेता है, हाँ फिर पोस्ट भी सेम करते, सेम एंगल सेम जगह पे फोटो। उससे क्या है कि भाईचारा सबका बढ़ता है। अकाउंट सिंक में रहता है, हाँ सिंक में, बस जगह सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ चेहरा अलग अलग हो रहा है। जब साथ में गए हैं, जब एक ही जगह गए हैं तो एक ही जगह पे खड़े होकर सेम फोटो डालने में क्या प्रॉब्लम। लेडीज लोग तो है नहीं अपन, जो ऐसा बोलेंगे तू भी सेम जगह पे की फोटो ले रहेगा, दूसरे जगह पे लेना। चलो फिर चढ़ाई फिर से शुरू और चलते रहते हैं, अब मिलते थोड़ी टाइम बाद। 20 मिनट चढ़ने के बाद हम फिर से बैठ गए हैं क्योंकि जाना आराम आराम से है, ठीक नहीं तो है, क्या हो जाएगा, कोई घाई नहीं है अपने को। इधर पीछे वाला बंदा जो है वो फिर से बोलेगा कुछ मीठा चीज़ खिलाओ मेरे को, क्योंकि उसका हो जाता है बीपी हाई। डाउन रहे बाबा। अभी हाँ डाउन, ठीक डाउन है, होता कि हाई होता है पता नहीं, पर कुछ तो होता बट है, कुछ तो पर होता बीपी है। का ही होता है। तो फिर करते हैं आराम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और फिर से निकल पड़ेंगे 20 मिनट के लिए। क्या जे जे मजा आ रहा है, बेनिफिट छाव होने का थोड़ा थोड़ा, देखो अभी धूप में थे पहले, अब ये धूप का आ थोड़ा गए पे, अभी थोड़ा छाव छाव है। में, फिर आके फिर से धूप, यही अभी तो मजा है आधा समर घंटा के, लगेगा, समर के ट्रैकिंग में यही मजा है। बारिश में थकान होती नहीं। और समर के ट्रैकिंग में जो थकान के बाद एक छाव मिलती है, उसका अलग ही मजा है। अलग ही और मजा साथ है। में जब ऊपर पहुंच जाते टॉप पे, वो भी अलग ही मजा है इतने गर्मी के ट्रैक के बाद। बस ऑलमोस्ट आ गए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट और। काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ रहा है, आई लव। क्या जे जे पहुंच गए 10 मिनट और। बस आ गए ऑलमोस्ट। ये जंगल के थ्रू जो रास्ता आता है, इतना सुकून मिलता है ना चल के, मजा आ जाता है यार।
ऐसा लगता है चलते ही जाए, खत्म ना हो ये रास्ता। इधर पे एक शॉप है, इधर भी खाने के लिए वो पानी का बॉटल सब है, रिफ्रेशमेंट। और इधर से जाने के बाद ये लेफ्ट लोगे तो कलावंतिन व्यू पॉइंट आएगा, राइट लोगे तो आप ये प्लेटो के दूसरा साइड जा सकते हो। पर वो कितना लंबा है पता नहीं, हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो हम लोग तो आधा रास्ता बहुत आधा घंटा चल के गए, जब हम लोग कुछ मिला नहीं था, उल्टा आ गया कि रास्ता अभी कुछ ऐसा मार्किंग टाइप दिखा नहीं था। तो उधर तो जाएंगे नहीं फिर से, उधर पता नहीं कितना दूर क्या पॉइंट है, पर यस कलावंतिन व्यू पॉइंट इधर से, तो इधर ही जाते। तो सब ये कलावंतिन पॉइंट पे हम लोग पहुंचने वाले व्यू पॉइंट पे, मे बी 5 मिनट और। और आ गए अपन कलावंतिन व्यू पॉइंट पे फ्रॉम प्रबलगढ़। हाँ अरे छोटा है हाइट उसका। और यह है कलावंतिन, प्रबलगढ़ तो पहुंच गए। इधर से कलावंतिन का व्यू तो अच्छा है ही, साथ में इधर से और बहुत ट्रैक्स मालूम पड़ता है। अभी ऑसमो में तो दिखेगा नहीं, पर बाद में फ़ोन से ना थोड़ा जूम मार के दिखा देंगे। एक वो है चंदेरी फोर्ट, उसके लेफ्ट साइड में महिषमल है, और उधर वो है मलंगगढ़, और भी बीच में एक तो फोर्ट है, नाम याद नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा गूगल करके या मैप्स में देखना पड़ेगा। बट यार तीन फोर्ट तो याद है, एक मलंगगढ़ और महिषमल और चंदेरी। और ये चंदेरी वही फोर्ट है जिधर हम लोग उतरने में थोड़ा लेट हो गए थे, मैं और बाकी हर्ष और रौनक, और रास्ता भटक गए थे, रात भर भी उधर ही बिताया था हम लोग ने। उसके बाद से बहुत टाइम था, हम लोग ट्रैक बंद हो गया था, एक का तो अभी भी बंद है एक तो अभी भी नहीं आता उसके बाद से। और ये कलावंतिन, ये कलावंतिन जाने का भी ब्लॉग बनाया हुआ है, तो वो भी देख सकते हो, हम लोग के चैनल पे है ऑलरेडी। तो बस अभी इधर थोड़ा फोटोज लेंगे, वीडियो लेंगे, रेस्ट करेंगे और आराम से उतरेंगे नीचे। अभी उतरने को तो बीपी डाउन नहीं होएगा, उतरने के लिए फटाफट उतर जाएंगे। सोएंगे कि नहीं इधर? हाँ इधर छांव में थोड़ा आराम करेंगे, आधे घंटा अभी जाएंगे हम लोग थोड़ा अंदर जंगल में जाके सो जाएंगे, थोड़ा मस्त आराम करेंगे आधा घंटा। ये चंदेरी, फिर ये बाजू में है महिषमल, और फिर आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा मलंगगढ़। ये है मलंगगढ़, मेरे को लग रहा ब्लर हो गया। मस्त थोड़ा टाइम स्पेंड करके डबलगढ़ व्यू कलावंतिन व्यू पॉइंट के पास वो हम निकल पड़े थोड़ा अंदर झाड़ियों में, ताकि हम रेस्ट कर सकें।
क्योंकि वहाँ तो बहुत धूप थी। तो अब जा रहे हैं अंदर, देखते कहाँ जंगल में किधर हमें सहारा मिलता है। तो मिल तो जाएगा ही, बस 20-30 मिनट के लिए थोड़ा लेट लेंगे, टेका ले लेंगे, अच्छा लगेगा, थोड़ा खा पी लेंगे, कुछ खा पी लेंगे, खाने को कुछ नहीं है, खाने को नहीं, पीने को तो है, पी लेंगे, खाएंगे नहीं, ठीक है। हाँ पी लेंगे, फिर आगे शॉप पे से कुछ खा लेंगे, मैगी खा लेंगे। तो फिर चलते सोते थोड़ा अभी, मस्त आराम चल रहा है। क्या राजू? मस्त, अभी पेड़ के नीचे बैठे हैं, जंगल ही मतलब, बहुत सारा पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। हो गया भाई अपना आराम करके, अब निकल रहे नीचे, नीचे को जाते, पहले खाते थोड़ा कुछ। सीन क्या हो गया है ना कि हम लोग जब उतर रहे थे तो हम लोग सोचे कि मैगी वाले के पास जाएंगे उधर मैगी खाएंगे, बट ऐसा हो गया कि हमने कुछ गलत रास्ता ले लिया, गलत रास्ता ले लिया, गलत टर्न ले लिया हमने। गलत रास्ता नहीं है, रास्ता सही था, सही है, पर शॉर्टकट से हम लोग सीधा नीचे आ गए, वो दुकान ही नहीं आया हम लोग को, वो दुकान बीच में स्किप हो गया, हम लोग डायरेक्ट नीचे आ गए। हाँ किधर से निकला रास्ता पता नहीं। हाँ। तो हम लोग के लिए अच्छा हुआ रास्ता तो नीचे फटाक से आ गए, पर मैगी रह गया हम लोग का। पर मैगी रह गया, पर मैगी तो फिलहाल नहीं खा रहे, नीचे अगर कुछ नीचे मिला खा तो लेंगे, नीचे खा लेंगे। ठीक है तो फिलहाल अभी चल रहे हम लोग नीचे जाते हैं। तो प्रबल का ट्रैक कंप्लीट, कंप्लीट नीचे भी आ गए, प्रबल माची पे बैठे अभी, तो सोचे व्लॉग एंड कर देते। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा था, बहुत टाइम के बाद ट्रैक किया तो दिल को सुकून तो मिल गया। अभी सोच रहे कि एवरी 2-3 वीकेंड्स में एक बार ट्रैक करें फिर से पहले जैसा, और ब्लॉगिंग भी करें, और जैसा ट्रैवल करते हैं या जो भी है रास्ता कैसा है कितना टाइम लगता है सब डिटेल्स आपको भी बताएं, सो दैट आप लोग भी आ सके, फॉलो कर सके, वीडियो देख के कैसा प्रॉपर जा सकते हैं। फिर निकलते नीचे, तो हम लोग भी जाते हैं अभी नीचे, निकलते घर की तरफ। तो ये ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते, तो मिलते हैं कोई न्यू ट्रैक पे, कोई न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग टीम ट्रैकर को, साइनिंग ऑफ।